हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल करेंट स्टडी सेंटर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप लोगों को करेंट अफेयर का बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास की PDF आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जाकर वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर डेली करंट अफेयर्स की PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक भी दे दूंगा कि PDF डाउनलोड करने का, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा। तो चलिए आज के पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है। तो अभी हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया गया है। कब मनाया गया है, 22 अप्रैल को मनाया गया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, 22 अप्रैल को मनाया गया है। अगर बात करें मैं ऑर्डर डे की, तो यहीं पर मनाया जाता है 22 मार्च को विश्व वाटर डे। क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। और उसके बाद से अगर मैं इस 22 अप्रैल को वर्ल्ड जो कि अर्थ डे मनाया गया, इसकी थीम की मैं बात करूं, इसकी थीम हो जाएगी इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या हो जाएगी, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में जगदीप मुखर्जी ने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोर्ट का विमोचन किया, उसका संबंध किससे है। तो अभी जगदीप मुखर्जी ने क्रॉस कोर्ट एक बुक है जिसका विमोचन किया गया है, उसका वो मतलब किस फील्ड में संबंधित है, तो वो किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही, टेनिस से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है, रिनियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, संदीप सिंह को नियुक्त किया गया है। तो अगर कृतिवासन TCS के CEO नियुक्त किए गए हैं। अजय सिंह की मैं बात करूँ तो अजय सिंह प्रेसिडेंट ऑफ IBF यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो अभी हाल ही में और सभी वायुसेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजन किया गया, और ये कहाँ आयोजन किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाता है, नई दिल्ली। अगर मैं बात करूँ नई दिल्ली की, चलिए मैप में देखते हैं नई दिल्ली कहाँ है। में नई दिल्ली देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो रेड कलर का, ये है नई दिल्ली। नई दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो नई दिल्ली कहाँ क्या है, ये तो ये इंडिया की कैपिटल है नई दिल्ली, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग लोकेशन में जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है नई दिल्ली। नई दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो अभी फिलहाल केजरीवाल जी है चीफ मिनिस्टर। और एयर चीफ मार्शल कौन है, तो एयर चीफ मार्शल कौन है, विवेक राम चौधरी है। कौन है, विवेक राम चौधरी। और वहीं पर अगर नेवी चीफ के बारे में बात करें, नेवी चीफ, तो नेवी चीफ कौन है, आर हरि कुमार। कौन है, आर हरि कुमार है। और यहीं पे मैं अगर आर्मी चीफ की बात करूं, तो आर्मी चीफ कौन है, मनोज पांडे हैं। कौन है, मनोज पांडे हैं आर्मी चीफ। तो मैंने तीनों सेनाओं के आपका चीफ के बारे में बता दिया। और अगर मैं बात करूँ, अगर यहीं पे अभी एक सम्मेलन हुआ था भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का, पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अभी पहला संयुक्त सम्मेलन होगा पुणे में हुआ था। पुणे कहाँ, महाराष्ट्र में है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ विश्व हिंदी सम्मेलन की, तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ है, फिजी में हुआ है। कहाँ हुआ है, फिजी में हुआ, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ है। अगर मैं वही बात करूँ 2023 में 15वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है, तो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी साउथ अफ्रीका कर रहा है। कौन कर रहा है, साउथ अफ्रीका करेगा। अगर ब्रिक्स की बात करें मैं, BRICS ब्रिक्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, पर ये एक एक करके प्रेसिडेंट सबके पास जाता है। जैसे इस बार साउथ अफ्रीका के पास गया, तो अगला बार ब्राज़ील के पास जाएगा, फिर उसके पास जाएगा आपके पास रशिया के पास, फिर उसके पास इंडिया के पास आएगा, फिर उसके बाद चाइना के पास जाएगा। इस तरह से चलता रहता है। तो चलिए अभी मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
क्या आता है, हाल ही में BEML क्या जी, BEML के CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में BEML के CMD के रूप में शांतनु रॉय को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया है? शांतनु रॉय को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। अगर मैं बात करूँ यहीं पे BEML की, तो BEML का मतलब होता है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। देखिए यहाँ पे मैं फुल फॉर्म भी लिख दिया हूँ, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? 1964 में हुई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो कहाँ है, वो है बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में इसका हेड क्वार्टर है। तो इसमें अगर मैं अदर बात करें ऑप्शन की, तो इसमें सुष्मिता शुक्ला ये फेडरल रिजर्व बैंक में पहली अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट की गई है। कौन? सुष्मिता शुक्ला। और यहीं पर मैं बात करूँ अगर रश्मि इनकी शुक्ला की, तो रश्मि शुक्ला ये SSB के डायरेक्टर जनरल के रूप में अपॉइंट की गई है। SSB सीमा सशस्त्र बल के डायरेक्टर, सीमा सशस्त्र बल के डायरेक्टर के जनरल के रूप में अपॉइंट की गई हैं। अगर मैं बात करूं शैलेश पाठक की, तो शैलेश पाठक ये फिक्की के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। किसे? फिक्की के महासचिव नियुक्त किए गए हैं, शैलेश पाठक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश के द्वारा टाइफा वन उपग्रह लॉन्च किया गया है? तो अभी हाल ही में केन्या के द्वारा टाइफा वन उपग्रह लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केन्या के द्वारा टाइफा वन उपग्रह लॉन्च किया गया है। अब बात यहाँ पर केन्या की आती है, तो चलिए मैप में देखते हैं केन्या कहाँ है। देखिए मैं आप लोगों के सामने वर्ल्ड मैप ओपन करके रखा हूँ, वर्ल्ड मैप में दिखा दे रहा हूँ मैं। देखिए यहाँ पे केन्या लोकेशन मैप, देखिए यहाँ पे आप लोगों को केन्या दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना, यही केन्या है। केन्या की मैं बात करूं अगर, तो केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी है। क्या है? केन्या की कैपिटल नैरोबी है। तो और केन्या के प्रेसिडेंट की मैं बात करूं, तो केन्या के प्रेसिडेंट है विलियम रुटो। कौन है? विलियम रुटो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? ऋषभ पंत को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाता है, ऋषभ पंत। अगर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? देखिए कहाँ लिखा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम की शुरुआत की है? तो ये किस राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में शुरू किया गया। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाता है, कर्नाटक। अगर मैं बात करूँ कर्नाटक की, तो चलिए मैप में देखते हैं कर्नाटक। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये जो फैसिलिटी है वोट फ्रॉम होम, ये सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए नहीं है मतलब कि किसके लिए है? तो ये 80+ बुजुर्गों के लिए है, जो 80+ एज के ऊपर है उनके लिए है, और प्लस में दिव्यांगजनों के लिए है बस ये फैसिलिटी। बाकी सभी लोगों के लिए फैसिलिटी ये नहीं है। तो अगर मैं बात करूँ यहीं पर मैप, चलिए देखते हैं कर्नाटक कहाँ है, उसके बाद फिर चुनाव आयोग पर आएंगे हम लोग। तो देखिए ये रहा मैप में कर्नाटक, जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ना, यही है कर्नाटक। कर्नाटक की अगर मैं बात करूँ, तो कर्नाटक का कैपिटल क्या होता है? बेंगलुरु होता है। कर्नाटक का कैपिटल क्या है? बेंगलुरु है। और कर्नाटक की अगर मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूँ, तो ये चीफ मिनिस्टर कौन है? वासव राज बुम्बई है। और कर्नाटक की मैं गवर्नर की बात करूं, तो कर्नाटक के गवर्नर हो जाते हैं थावर चंद गहलोत हो जाते हैं। और अगर मैं बात करूं चुनाव आयोग की, तो चुनाव आयोग के बारे में मैं आपको डिटेल बता देता हूं। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और 25 जनवरी को इसीलिए नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कर्नाटक के हुबली में ही है। कहाँ है? कर्नाटक के हुबली में है। कौन सा रेलवे प्लेटफॉर्म है? तो श्री रुद्रसुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन है। कौन सा है? श्री रुद्रसुद्धा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। और इसकी जो लेंथ है ना, इसकी जो लेंथ है वो 1507 मीटर है। कितनी है? 1507 मीटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कौन सा आ जाता है, हाल ही में क्रिकेटर
हाल ही में किस देश के क्रिकेटर गौरी वेलेस ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में इंग्लैंड के एक क्रिकेटर हैं जिनका नाम है गैरी वेलेस। इन्होंने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से, ऑल फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। तो इंग्लैंड के हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कौन सा आ जाता है? हाल ही में UNFPA के रिपोर्ट के अनुसार भारत में चाइना की तुलना में कितने अधिक लोग हैं? तो अभी एक UNFPA की एक रिपोर्ट आई है, इसके अनुसार भारत में चाइना की तुलना में अभी लोग 2.9 मिलियन लोग अधिक हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही होता है। इसका मतलब क्या होता है? भारत टोटल 1.39 अरब आबादी के साथ दुनिया का सबसे नंबर वन देश बन गया है। हम लोग चाइना को पीछे कर दिए हैं। और भारत जो कि चाइना से कितने लोग अधिक हैं, तो 2.9 मिलियन लोग अधिक हैं भारत में चाइना से। अगर और ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो UNFPA ने जारी किया है। UNFPA ने, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड होती है। इसकी मैं बात करूँ अगर, तो इसी ने ये रिपोर्ट को जारी किया है। और इसके अकॉर्डिंग भारत में 2.9 मिलियन लोग चाइना के से मुकाबले अधिक हैं। तो इसलिए भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है अब। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसमें आज का करंट अफेयर्स यहीं पर रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस क्लास का PDF आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जाकर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं PDF। और PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।